15 अगस्त 1947, भारतीय इतिहास के इस पृष्ठ पर अगर आपकी नजर जाती है तो आपको क्या याद आता है? मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से आजादी का एक स्वप्न देखा करते थे, और कभी तो प्रभात फेरी में जाएं, कभी नेताओं के लेक्चर सुने, और एक बार तो हमने हमारी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अमरावती में तिरंगा झंडे को फहराने का भी हमने एक कार्यक्रम बनाया था, जो कि हमारा सफल नहीं हुआ। पर तिरंगा झंडा सचमुच हमारे जीवन में एक इतनी अहम चीज थी कि हम बिल्कुल विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा नारा रहता था सब। और वंदे मातरम भी हम गाते थे, और इसमें इतना एक जोश हमारे मन में होता था कि अब मेरा परिवार तो सरकार के साथ, यानी न्यायाधीश और एडवोकेट ऐसे लोग थे। तब कभी कभी कोई कहते हैं कि अरे तुम ये कर रही हो, अब तुम्हारे पिताजी की नौकरी चली जाए तो हमने कहा, हम सोचते कि कोई बात नहीं, आज़ादी मिल जाएगी तो उनकी नौकरी फिर से आ जाएगी। यानी इतना हमारा बचपना था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद धमार और ख्याल तराना गायकी में सिद्ध हस्त श्रीमती सुमति मुटाटकर का जीवन साज और सुरों का पर्याय है। आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक आकाशवाणी से राग रागनियों की छटा बिखेरने वाली 85 वर्षीय निष्णात गायिका आज भी सुरों की साधना में निमग्न है। 15 अगस्त 1947 को मैं लखनऊ में थी, और संगीत सीखने के लिए आचार्य रतन जनकर जी की संस्था में, मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में मैं गई हुई थी। और उस दिन की मुझे बहुत ही अच्छी याद आ रही है कि उस दिन ये था कि राजभवन में बड़ा भारी एक समारोह था, श्रीमती सरोजिनी नायडू वहाँ गवर्नर राज्यपाल थी, और हम लोगों को 45 मिनट का कॉलेज के लोगों को एक कार्यक्रम देने के लिए बुलाया था। तो हमने बहुत कितने 5-6-7 गाने उसमें गाए होंगे, और बहुत ही उत्साह जोश के साथ गाए, और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी भी थे, उन्होंने अपनी बहन को कहा भाई ये बहुत अच्छा गाना हो रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमको तो इस प्रकार की उसकी याद है। ये 14 अगस्त की रात का मैं बता रही हूँ प्रोग्राम, और फिर 15 अगस्त को भी हमने बहुत खुशियाँ मनाई, पर 14 की सुबह से हम लोग, यानी कॉलेज के छात्रगण और हमारे प्रिंसिपल और सब लोग और भी बहुत सारे लोग आए, और बहुत खेलकूद गाना नाचना उसे किया, और मिठाई वगैरह। तो बहुत ही ये दिन हमारे जीवन में एक अहम दिन करके आज भी मुझे उसकी याद ताज़ा है।